इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि योनो SBI में फर्स्ट टाइम लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले योनो SBI को ओपन कर लेंगे। अगर ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। योनो SBI लिखेंगे तो आपका आ जाएगा। तो आने के बाद यहाँ पे आप कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे एग्जिट SBI कस्टमर पे आप क्लिक करेंगे, बिल्कुल ये नया प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखिए एग्जिस्टिंग SBI कस्टमर, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट सिम आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ दो चीज़। आपके सिम में अनलिमिटेड पैक से रिचार्ज होना चाहिए, साथ ही साथ SMEG पैक का भी रिचार्ज होना चाहिए। यानी कि जो अनलिमिटेड पैक का रिचार्ज कर रहे हैं उसी में SMS भी की सुविधा होनी चाहिए, तब यहाँ पे सिम वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो सबसे पहले जो भी आपका सिम जो है बैंक में रजिस्टर है, चाहे SIM 1 में हो चाहे SIM 2 में है, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे SIM 2 को सेलेक्ट कर लिए हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। ऐसा करने के बाद आपका जो है सिम वेरिफिकेशन किया जाए। तो यहाँ पे देखिए सिम वेरिफिकेशन होना चालू हो चुका है, आ चुका है देखिए योनो रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूज़र नेम यहाँ पे इंटर करेंगे और पासवर्ड यहाँ पे इंटर करेंगे। अगर आपको पता नहीं है यूज़र नेम किस तरह से निकाला जाता है और आपको ये भी पता नहीं है किस तरह से पासवर्ड भी निकाला जाता है, तो मैंने वही वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ कि किस तरह से यूज़र नेम और पासवर्ड निकाला जाता है। तो इस वीडियो को देख के आप यूज़र नेम पासवर्ड को निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे यूज़र नेम को इंटर कर देते हैं और पासवर्ड को यहाँ पे इंटर कर देते हैं और यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अगर किसी कारण बस OTP नहीं आ पाता है तो रिसेंट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपका OTP आ जाएगा रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो आपके बैंक के साथ लिंक होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे। हम OTP दे चुके हैं, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और ऐसा करने के बाद यहाँ पे इस पेज को ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ रहता तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे और ऐसा करने के बाद आपको कहा जाएगा आपके चॉइस के अनुसार जो आपको MPIN याद रह सके 6 डिजिट का, वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से कंफर्मेशन के लिए जो आप सेट न्यू MPIN में दिए हैं वही री इंटर न्यू पिन में आप यहाँ पे देंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। बाद कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो चुका है, तो ओके पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, तो इसको यहाँ पे कट वाले पे निशान करके कट कर देंगे। तो यहाँ पे आप बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, व्यू बैलेंस, अपना अकाउंट का स्टेटमेंट भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिपॉजिट भी कर सकते हैं, FD RD भी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बिल पेमेंट भी कर सकते हैं, बुक ट्रेन टिकट भी कर सकते हैं, SBI रिवार्ड को यूज कर सकते हैं। तो जिसने भी मैं अभी टॉपिक का नाम लिया हूँ इन पे ऑलरेडी मैं सारा वीडियो कवर कर चुका हूँ, बना दिया हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप जो है योनो SBI में फर्स्ट टाइम लॉगिन या न्यू रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।